हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ग्रीस मार्क आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ वालों को। क्लास टेंथ का अलग मार्क ग्रीस मार्क मिलते हैं, क्लास ट्वेल्थ वालों को अलग तरीके से ग्रीस मार्क। क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ अलग अलग क्राइटेरिया होता है कैसे इनको एग्जाम ग्रीस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे क्लास टेंथ वालों की और सेकेंड बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ वालों की। अब वीडियो से जुड़े रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी ग्रीस मार्क से जुड़ती है, आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों की आपकी मदद मिल सके। हम बात करते हैं पहले क्लास टेंथ वालों की। तो क्लास टेंथ वालों का इंटरनल जो होते हैं एग्ज़ाम होते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, असाइनमेंट होता है, यूट्यूब होता है, उनमें से 20 मार्क्स में तो आपको नंबर दिए जाते हैं। हर स्कूल मैक्सिमम 20 में से 18-19 मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हर स्कूल का अपना रिजल्ट अच्छा करना पड़ता है। और आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है जो 80 का होता है, 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है, आपको दोनों मिला के 100 नंबर का हो जाता है। 100 नंबर में से आपको 33% लेके आनी होती है। जो आपके 6 पेपर में से आपके 4 पेपरों से 40 से अबव नंबर आए और दो पेपरों में आपके 28 आ गए। ठीक है, इन दो पेपरों में आपको ग्रेस दे दिया जाएगा, आपको 33% तक पहुंचा दिया जाएगा, आपको 5 नंबर का ग्रेस दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में 28 नंबर आए तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में कोई भी आपको ग्रेस नहीं देगा। अगर 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम ग्रेस दे सकता है, ठीक है, और फर्स्ट एक सब्जेक्ट में ग्रेस देगा, वो 3 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। अगर किसी में आपको 40, 50, 60 से अबव आए तो आपको ग्रेस मिल सकता है, टीचर के हिसाब से आपको ग्रेस मिल सकता है, क्योंकि CBSE हमेशा कोशिश करता है हर स्टूडेंट को पास किया जाए, अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, इसलिए CBSE हमेशा लीनियंट चेकिंग ही करता है। आप सोचते हैं हमारी हार्ड कॉपी चेकिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, CBSE आपकी लीनियंट कॉपी चेक करता है। मैं फिर से आपको समझाता हूँ क्लास टेंथ वालों को। 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असाइनमेंट होता है, थ्योरी होता है आपकी 80 मार्क्स का, इन दोनों में से आपको 33% लेकर आना होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ वालों का। अब स्टूडेंट बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ वालों, क्लास ट्वेल्थ ग्रीस मार्किंग का क्या क्राइटेरिया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रीस मार्किंग क्लास ट्वेल्थ वालों के। देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा, देखो आपको इंटरनल मार्क्स में और फाइनल थ्योरी मार्क्स में अलग अलग से 33% लाना होगा आपको। क्लास टेंथ वाला आपका ऐसा रूल नहीं चलता। तो क्लास देखो, आपको इंटरनल में 33% लेके आना है, थ्योरी में आपको 33% लेके आना है, तभी आपको पास किया जाएगा। आपको इंटरनल में 33% मिल जाएंगे, ये तो सब सारे स्कूल वालों को अपना रिजल्ट अच्छा करना होता है, इसलिए 33% सबको दे देते हैं मैक्सिमम। पर थ्योरी में किसी बच्चे का नहीं आते है, तो आपको ग्रीस मार्किंग दे दी जाती है। आपके सारे पेपरों में 40 से अबव आया, किसी में 28-29 रह जाते, तब आपको ग्रीस मार्किंग दे दी जाती है। एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में आपको ग्रीस मार्किंग दी जाती है 5 मार्क्स की, इससे ज़्यादा ग्रीस मार्किंग नहीं दी जाती आपको। और दोनों में मिला के नहीं लेना आपको, 33% आपको इंटरनल में लेके आना है और थ्योरी में भी 33% लेके आना, तभी आपको पास किया जाएगा। और इंटरनल में आपको 33% से कम आए तब भी फेल हो आप, अगर 33% इंटरनल में आपके आ रखे और थ्योरी में 33% नहीं आए तो आप तब भी आप फेल हो। बस इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों को तो भेजना, दोस्तों को मत भेजना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।